और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं, आप दीजिए। मगर यह हमारा राजनीतिक हक है, हम चुनकर आए हैं, हम सब एमपीज हैं, कि हमारा हक बनता है कि हमें वहां बोलने दिया जाए। और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं, हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस, सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर, और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए, फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। धन्यवाद। अब ऑपोजिशन की गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सदन में चर्चा नहीं करने दी जा रही है, और बाहर तो बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन संसद में वो बयान देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, पीएम मोदी मुझसे डरे हुए हैं।